अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये है एक्स स्क्र डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई पावर माइनस वन वाई माइनस वन इंटू माइनस वन। यानी यहाँ पर एक्स की लिमिट भी माइनस वन है और वाई की लिमिट भी माइनस वन है जी। तो पहले सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों को। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स बच गया। अब सेपरेट हो ही जाएंगे शायद आई थिंक। तो ये डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र साथ में डी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन आपको पता है एल एन एफ वाई होगी इज इक्वल टू यहाँ पर देखें पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं ये वन ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये वन माइनस टू माइनस वन बन जाएगी पावर इसकी जी। तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन में होता है पावर में एक इंक्रीज़ करते हैं तो एक्स पावर माइनस टू में एक इंक्रीज एक्स पावर माइनस वन और उसी से हम डिवाइड कर देंगे और माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं दोबारा मतलब इसको हम वन ओवर एक्स ही रहने दें। अगर एक्स पावर माइनस वन को हम लिखते हैं सॉरी यहाँ पर हम कर देते हैं वन ओवर एक्स डी एफ एक्स इस तरह काम खराब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास बन जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास था एल एन एफ वाई अभी हम यहाँ पर एल एन एफ वाई प्लस एल एन एफ एक्स कर लेते हैं इधर प्लस आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखें इसको हम लिख सकते हैं ना एल एन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक पावर माइनस वन ओवर एक्स प्लस सी। तो ये बन जाएगा एक पावर माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक पावर सी जो कि हमारे पास बन जाएगा सी ई पावर माइनस वन ओवर एक्स एक्स वाई। तो अभी यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू है सी ई पावर माइनस वन ओवर एक्स। अभी एक्स और वाई की जो हमारे पास वो कंडीशन गिवन थी माइनस वन थी दोनों की। तो यहाँ पर देखें माइनस वन इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस वन ओवर माइनस वन। तो क्या मतलब ये वन बन जाएगी तो वन इज इक्वल टू सी ई ये बन गया हमारे पास। तो c इज इक्वल टू वन ओवर e यानी इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू e पावर माइनस वन। अब इसको हम इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं जो कि हमारे पास कौन सी थी ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन वन इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू e पावर माइनस वन इंटू e पावर माइनस वन ओवर x। तो ये बन जाएगी हमारे पास e पावर माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू एक्स वाई। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक पावर माइनस वन ओवर x ओवर x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 25 को। तो ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास कुछ यूँ है इसको पहले हम लदा लदा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये आ जाएगा इस पर इंटीग्रेशन के लिए इसका डेरिवेटिव पर मौजूद होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टू तो हम इसको माइनस वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टू से डिवाइड करेंगे माइनस वन ओवर टू से डिवाइड और माइनस टू से मल्टीप्लाई। तो डी एफ वाई ओवर वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टी। तो यह माइनस वन ओवर टू ऑफ वन माइनस टू वाई बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा टी प्लस सी सी वन कह देते हैं इसको ठीक है। तो ये माइनस वन ओवर टू है इसको उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एल एन एफ वन माइनस टू वाई इधर बस बच जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टू टी और माइनस टू सी वन। तो ये बन जाएगा एल एन एफ वन माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू टी प्लस सी ठीक है। ये माइनस टू सी वन को हम सी कह देते हैं या इसको हम सी टू बोल देते हैं क्योंकि एक हमारे पास मजीद नेक्स्ट भी आएगा जी। एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया तो ई एल एन से कट गया वन माइनस टू वाई इधर बच गया तो इधर आ गया एक पावर माइनस टू टी प्लस सी टू। तो ये बन गया एक पावर माइनस टू टी इंटू एक पावर सी टू। तो ये बन गया सी ई पावर माइनस टू टी और यहाँ पर वन माइनस टू वाई तो टू वाई उधर चला गया और सी इधर आ गया तो आ जाएगा वन माइनस सी ई पावर माइनस टू टी इज इक्वल टू टू वाई। तो
ये हमारे पास इक्वेशन वन का, इसको हम नाम दे देते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट। तो देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू है 5/2। ये यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो सी की वैल्यू भी निकल आएगी। तो देखें 1 - c ई की पावर क्या थी हमारे पास, रुकिए, ई की पावर थी हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं पहले ये देखें, वाई और टी थे, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है और वाई की वैल्यू 5/2 है। तो ये 1/0 बन जाएगी इज इक्वल टू 2 × 5/2। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - c इज इक्वल टू 5। तो 1 - 5 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 4। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं। इक्वेशन वन किधर गई, ये है। तो 1 - 2y इज इक्वल टू 4 e^-2t। तो यहाँ पर हम इसको करते कुछ हैं कि 2y उधर ले जाते हैं और वो इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1+, इधर आके प्लस हो जाएगा 4e^-2t और इज इक्वल टू 2y। तो हम 2 को डिवाइड करते, 2 को इन दोनों से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 + 4/2 e^-2t इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2e^-2t, ये कट गया ना, 2 × 2 = 4 और प्लस 1/2। तुम तो पीछे भागो मच्छर जी। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर।